सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी पॉपुलर डिवाइस के बीच में बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सीपीयू बैटल भी करने वाले हैं, मतलब कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने वाले है, जो कि रहने वाला है रेडमी 12 5G वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 30 5G वर्सेस सैमसंग M34 5G वर्सेस इन रियलमी नार्जो 60 के बीच। सो चलिए देखेंगे कि परफॉर्मेंस के लिए कौन सा फोन बेटर रहने वाला है एंड बैटरी बैकअप के लिए कौन सा फोन यहाँ पे बेटर रहने वाला है, कौन सा फोन सबसे ज्यादा यहाँ पे हीटिंग इश्यू दे सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, परफॉर्मेंस एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट करने से पहले आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके पास कौन सा फोन है, रेडमी का, इन्फिनिक्स का, सैमसंग का या फिर रियलमी का, कौन सा फोन है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीपीयू परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम कम से कम यहाँ पे तकरीबन एक घंटे तक करने वाले हैं। सो टाइमिंग देख सकते हैं, 2:21 यहाँ पे हो चुका है। सो देखने वाले कि कौन सा फोन सबसे तेजी से बैटरी को ड्रेन करता है एंड बैटरी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में सभी फोन में मैंने 100% बैटरी यहाँ पे फुली चार्ज किया है, कुछ फोन में देख सकते 1% बैटरी ड्रेन हो चुका है सेटअप करते करते। एंड इसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, तो 28 का टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर है, रेडमी का टेम्परेचर 32 है, इन्फिनिक्स का टेम्परेचर 31 है एंड सैमसंग का टेम्परेचर 38 है एंड लास्ट में रियलमी का टेम्परेचर 30°C का है। तो स्टार्टिंग का टेम्परेचर भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले राउंड को शुरुआत करेंगे, जो कि रहने वाला है अंतुदु बेंचमार्क स्कोर। तो सभी फोन में हम क्या करने वाले, लाइव अंतुदु बेंचमार्क स्कोर को रन करेंगे एंड देखने वाले कि कौन से फोन में सबसे पहले अंतुदु बेंचमार्क स्कोर निकल के मिल जाता है एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कौन से डिवाइस का आपको सबसे हाईएस्ट स्कोर देखने को मिल जाता है। एंड वैसे भी दोस्तों प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे, सो रेडमी 12 5G में दे सकते हैं स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है इस प्राइस पॉइंट पे। इन्फिनिक्स के फोन में आपको डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर मिल जाता है, सैमसंग के फोन में Exynos 1280 का प्रोसेसर मिल जाता है एंड Realme Narzo 60 डिवाइस में Dimensity 6020 का 5G प्रोसेसर मिल जाता है। एंड दोस्तों अंतुदु बेंचमार्क को रनिंग होने में 15 से 20 मिनट का टाइमिंग लगता है, तो हम क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे एंड देखेंगे कौन सा फोन फटाफट से अंतुदु बेंचमार्क को निकल के दे देता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले अंतुदु बेंचमार्क स्कोर इन्फिनिक्स नोट 30 5G डिवाइस में निकल के आ चुका है, लेकिन दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में दे सकते यहाँ पे थोड़ा सा कम स्कोर निकल के आ गया था, लेकिन मैंने फिर से टेस्ट किया था, सो 3,94,000 से भी ज्यादा स्कोर निकल के आ चुका है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर पे कौन सा फोन यहाँ पे विनर बन जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आ चुका है Redmi 12 5G, जिसका स्कोर देख सकते हैं 4,42,000 से भी आसपास आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे देख सकते हैं आपको Realme Narzo 60 का डिवाइस है, जिसका स्कोर देख सकते हैं 3,80,000 से भी ज्यादा स्कोर देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों सैमसंग के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ब्रांडेड फोन है, लेकिन ब्रांडेड फोन होने के बावजूद भी सैमसंग के फोन में स्कोर निकलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। एंड फाइनली सबसे लास्ट में देख सकते हैं सैमसंग M34 का स्कोर निकल के आ चुका है, लेकिन दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कौन से डिवाइस का स्कोर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर आपको सैमसंग M34 का ही देखने को मिल जाता है, 4,69,000 के आसपास सबसे हाईएस्ट आपको स्कोर देखने को मिल जाता है। उसके पीछे पीछे Redmi 12 का स्कोर है 4,42,000, उसके पीछे तीन नंबर पे Infinix Note 30 का स्कोर है 3,94,000 एंड सबसे लास्ट में दे सकते हैं Realme Narzo 60 का स्कोर है, जो कि आपको 3,80,000 के आसपास Realme का स्कोर देखने को मिल जाता है। सो एक नंबर पे दे सकते हैं परफॉर्मेंस में सैमसंग M34 स्कोर के मामले में सबसे बड़ा विनर बन चुका है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम टेस्टिंग करने वाले सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट एंड देखने वाले कि कौन सा फोन सबसे ज्यादा यहाँ पे हीट हो जाता है एंड कौन से फोन का सीपीयू यहाँ पे बार बार थ्रॉटल करता है, ताकि हमको पता चले परफॉर्मेंस के मामले में कौन सा फोन बेटर साबित रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे 15 मिनट का टेस्टिंग करने वाले एंड 15 मिनट के टेस्टिंग में 5 मिनट 10 मिनट एंड 15 मिनट के बाद हर वक्त हम यहाँ पे टेस्टिंग का रिजल्ट भी चेक करने वाले हैं। सो यहाँ पे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं एंड 5 मिनट में दे सकते हैं सैमसंग का फोन एंड रेडमी का फोन काफी ज्यादा यहाँ पे थ्रॉटल करता है। बाकी दोस्तों
रेडमी नार्जो 60 एंड इन्फिनिक्स नोट 30 के जो परफॉर्मेंस है काफी बेटर मुझे लगा है। कोई बात नहीं दोस्तों, 10 मिनट के बाद चेकआउट करके देख सकते हैं कौन सा फोन अधिक यहाँ पे थ्रोटल करता है, वो भी चेक करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं एंड 10 मिनट में देख सकते हैं सैमसंग का फोन, रेडमी का फोन एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्फिनिक्स का फोन है वो भी यार थोड़ा सा थ्रोटल करना स्टार्ट हो चुका है। सो कोई बात नहीं दोस्तों, हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करने वाले, मतलब की 15 मिनट कम्प्लीट होने के बाद चेक करके देख लेते हैं कौन सा फोन सबसे तेजी से यहाँ पे थ्रोटल हो चुका है एंड कौन से फोन का सीपीयू परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे रिजल्ट भी चेकआउट करके देख सकते हैं, 15 मिनट कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे थ्रोटलिंग टेस्ट के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो सैमसंग का फोन एंड इन्फिनिक्स का फोन सबसे तेजी से यहाँ पे थ्रोटल करता है, उसके पीछे पीछे रेडमी का भी फोन यहाँ पे थ्रोटल करता है। एंड इसके बाद दोस्तों टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो रेडमी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, इन्फिनिक्स का टेम्परेचर 41 है, सैमसंग का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस है एंड इसके बाद रियलमी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है। तो सैमसंग का टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज्यादा तेजी से हिट हो चुका है एंड दोस्तों पीक परफॉर्मेंस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्कोर आपको यहाँ पे रियलमी नार्जो 60 का देखने को मिल जाता है, 92% परफॉर्मेंस है। बाकी इन्फिनिक्स एंड सैमसंग का स्कोर आपको 79 है एंड आपको 84 का जो परफॉर्मेंस है रेडमी 12 5G का स्कोर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम टेस्टिंग करने वाले 3D वाइल्ड मार्क टेस्टिंग, जो कि एक ग्राफिक्स का टेस्टिंग चेक करने वाले हैं एंड पता चलेगा कि कौन सा फोन आपको सबसे बेटर ग्राफिक्स प्रोवाइड करेगा एंड वैसे भी दोस्तों गेमिंग के लिए कौन सा फोन आपको बेटर ग्राफिक्स प्रोवाइड करेगा इससे भी आपको पता चल जाता है। तो चलिए थोड़ा सा टाइमिंग लगता है टेस्टिंग करने में तो हम क्या करेंगे, वीडियो का थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। सो यहाँ पे फाइनली रिजल्ट सामने आ चुका है लेकिन दोस्तों बात करेंगे स्कोर के मामले में, सैमसंग M34 सबसे नंबर वन पे जिसका स्कोर 2315 है, उसके पीछे पीछे दे सकते हैं इन्फिनिक्स का सेकंड नंबर आ जाता है, तीन नंबर पे दे सकते हैं रियलमी नार्जो 60 एंड सबसे लास्ट में दे सकते हैं रेडमी 12 5G है। सो बेटर ग्राफिक्स आपको सैमसंग M34 5G डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी डिवाइसेस में वीडियो को रेंडर करके देख लेते हैं, मतलब कि वीडियो को एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा फोन एडिटिंग करने के लिए पावरफुल है, वीडियो रेंडर करने के लिए पावरफुल है। एंड इसके बाद दोस्तों वीडियो आउटपुट सेटिंग मतलब के सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो सभी फोन में 4K at 60fps का सपोर्ट मिल जाता है बट यहाँ पे रेडमी 12 5G डिवाइस में सिर्फ आपको 1080 at 60fps का सपोर्ट मिल जाता है। सो हम क्या करेंगे, सभी डिवाइसेस में सेम टू सेम सेटिंग को सेट करने वाले, मतलब की 1080 pixel at 60fps सभी डिवाइसेस में आउटपुट का सेटिंग को सेट कर देते हैं। तो चलिए सभी डिवाइसेस में वीडियो को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड स्पीड के मामले में बात करेंगे तो यहाँ पे रेडमी 12 5G एंड सैमसंग M34 डिवाइस में मेरे हिसाब से काफी तेजी से वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। देख लेते हैं कि कौन सा फोन सबसे पहले यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर देता है एंड फाइनली मेरे हिसाब से सैमसंग M34 डिवाइस में वीडियो सबसे पहले एक्सपोर्ट हो चुका है, उसके पीछे पीछे रेडमी 12 5G डिवाइस में वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। तीन नंबर पे देख सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 30 5G डिवाइस में वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है एंड सबसे लास्ट में रियलमी नार्जो 60 5G डिवाइस में वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। ऑब्वियसली दोस्तों डायमेंसिटी 6020 का वेक प्रोसेसर मिल जाता है। सो वीडियो एडिटिंग एंड रेंडरिंग के मामले में सैमसंग M34 5G डिवाइस सबसे नंबर वन पे आ जाता है। सो चलिए दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे एक घंटा कम्प्लीट हो चुका है एंड सभी टाइप का जो टेस्टिंग है वो भी यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। सो चलिए एक बार सभी डिवाइसेस का टेम्परेचर चेकआउट करेंगे। सो रेडमी का टेम्परेचर 36 है, इन्फिनिक्स का भी टेम्परेचर 36 है, सैमसंग का भी टेम्परेचर 36 है एंड रियलमी का टेम्परेचर यहाँ पे 34 है। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे बैटरी ड्रेन टेस्ट के बारे में। सो एक घंटे में देख सकते हैं कौन सा फोन का बैटरी सबसे ज्यादा यहाँ पे ड्रेन हो चुका है एंड जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि सभी फोन में मैंने 100% फुल्ली बैटरी को चार्ज किया था। सो एक घंटे के बाद रेडमी 12 डिवाइस में 90% बैटरी बैकअप बचा है, इन्फिनिक्स के फोन में 88% बैटरी बैकअप बचा है, सैमसंग के फोन में 91% बचा है एंड रियलमी के फोन में भी आपको 91% बैटरी बैकअप बचा है। सो सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन तो यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 30 5G डिवाइस का हो चुका है, उसके पीछे पीछे रेडमी 12 5G डिवाइस का भी सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन हो चुका है। सबसे बेटर बैटरी बैकअप आपको रियलमी के फोन में एंड सैमसंग के फोन में देखने को मिल जाएगा जिसमें यार काफी कम बैटरी ड्रेन हो चुका है। तो दोस्तों सबसे बेटर परफॉर्मेंस आपको सैमसंग गैलेक्सी M34 5G डिवाइस में मिल जाएगा लेकिन अगर आप 11 से 12 हजार रुपए के आसपास बजट फोन की तलाश में है तो आपको रेडमी 12 5G डिवाइस में भी सबसे बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। वैसे दोस्तों आपको कौन सा फोन में सबसे बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।